हेलो दोस्तों, द पाइनर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रकाश चैप्टर से, जो आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। चलिए तो दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, साथ ही साथ हम बीच बीच में करेंट अफेयर भी लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है दोस्तों? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर वन क्या दोस्तों कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? आंसर क्या दोस्तों? फोटोन। क्या दोस्तों? फोटोन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आंसर क्या है इसका? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है दोस्तों? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइग्रेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? इसका आंसर क्या है? ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो आंसर है दोस्तों, मैक्सवेल। क्या दोस्तों? मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है दोस्तों? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आंसर क्या है दोस्तों? ग्रेमाल्डी। क्या है? ग्रेमाल्डी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तो कौन किए थे? तो आइंस्टीन। कौन किए थे? आइंस्टीन। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका आंसर है ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर नाइन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों, आंसर इसका विवर्तन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है दोस्तों? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। क्या है? व्यतिकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? रोमर। क्या है? रोमर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ होता है? तो निर्वात में। मतलब कि प्रकाश सबसे अधिक किस चीज में चलती है? तो निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होती है? तो वैसे ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कांच, जल व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो जल में सबसे अधिक होती है, फिर कांच में उससे कम, फिर हीरे में उससे भी कम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है दोस्तों? एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? यहाँ पे मिस्टेक हुए दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों? तो क्रीट, मतलब कोरोना भाग। कौन सा दोस्तों? कोरोना भाग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकेंड। कितना होता है? 460 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन। कब होता है? तो अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के
कारण क्या दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें।